दोस्तों नमस्कार, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आप आधार कार्ड से जो है यूपीआई पिन बना सकते हैं, ये पूरी तरीके से लॉन्च हो चुका है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं किन बैंकों में ये दिया गया है अपडेट और कैसे आप बना सकते हैं। तो दोस्तों मैं सीधे मुद्दे पे आता हूँ कि जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अब आधार कार्ड से भी आप यूपीआई पिन बना सकते हैं, यूपीआई यूज कर सकते हैं। आपको दो ऑप्शन दिए जाएंगे, एक डेबिट कार्ड एक आधार कार्ड के जरिए आप यूपीआई यूज कर सकते हैं। दो बैंकों के साथ ये लाइव किया गया है कि जिनसे आप जो है आधार कार्ड के जरिए यूपीआई पिन बना सकते हैं। और आपको गूगल पे फोन पे पेटीएम में भी देखने को ये ऑप्शन नहीं मिलेगा अगर ये दो बैंक यूज करते हैं तो क्या प्रोसेस है, कहाँ पर आप जो है आधार के जरिए यूपीआई पिन बना पाएंगे, इस वीडियो को आप देखते ये कंप्लीट प्रोसेस आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, दो बैंकों का नाम, एक है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, एक है कॉस्मोस बैंक। अगर ये बैंक आपके पास है तो बहुत ही इजीली तरीके से आप जो है आधार कार्ड के जरिए यूपीआई यूज कर सकते हैं, यूपीआई पिन बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल पे फोन पे पेटीएम में नहीं जाना है, कहीं पर नहीं जाना है, आपको भीम यूपीआई एप्लीकेशन में जाना है। आपको एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करने के बाद आपको वहाँ पर अपना अकाउंट लिंक कर लेना है। जो भी आपके सिम है उस सिम पे आप क्लिक करेंगे, उसके साथ जो भी बैंक अकाउंट लिंक होगा वहाँ पे अकाउंट लिंक हो जाएगा। अकाउंट लिंक होने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, जब आप प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जो भी आपका बैंक अकाउंट लिंक होगा यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं फॉरगेट रिसेट यूपीआई पिन आपको यहाँ पे लिखा होगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं आपको दिखेगा एक डेबिट कार्ड के द्वारा एक आधार कार्ड के जरिए। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप डेबिट कार्ड से करना चाहते हैं तो डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं, अगर आप जो है आधार के जरिए आप करना चाहते हैं तो आपका जो है आधार में जो मोबाइल नंबर लिंक है वही बैंक के साथ लिंक होनी चाहिए, जो बैंक में लिंक है मोबाइल नंबर वही आधार में आपका मोबाइल नंबर लिंक होनी चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप जब यूपीआई पिन बनाने जाएंगे आधार के जरिए तो आपको आधार की तरफ से एक ओटीपी आएगा, एक बैंक की तरफ से ओटीपी आएगा, तब आप यूपीआई पिन बना सकते हैं। तो जैसे ही आप आधार पे क्लिक करेंगे आपका जो आधार कार्ड का लास्ट का जो चार अंक होता है वो आप यहाँ पे इंटर करेंगे, इसके बाद प्रोसीड वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको आधार की तरफ से एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी इंटर करेंगे, इसके बाद आपको बैंक की तरफ से ओटीपी आएगा, वो आप इंटर करेंगे, इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको यूपीआई पिन बनाने का मौका मिल जाता है। तो ये बहुत ही बड़ी अपडेट है, आपको यूपीआई पिन बनाने का मौका मिल जाता है। तो ये जो है फिलहाल दो ही बैंकों के साथ अभी लाइव हो चुका है, एक है कॉस्मोस बैंक, एक है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। अगर ये आपके पास अकाउंट है तो आप जो है भीम यूपीआई एप्लीकेशन में जाके खाते को लिंक करके आप जो है अपना यूपीआई पिन आधार से बना सकते हैं, यूपीआई यूज कर सकते हैं आधार से। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, और भी सारे बहुत सारे मार्केट में बैंक है, SBI जैसे, बैंक ऑफ बड़ौदा, HDFC, इनमें कब आएगा, तो यहाँ पे बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलेगा कि इन सारे बैंकों में भी अब आपको कुछ ही दिनों के बाद जो है आपको आधार से भी यूपीआई पिन बना सकते हैं। चैनल के साथ अगर आप जुड़े रहेंगे आपको समय समय पे जानकारी दिया जाएगा और समय समय पे आपको अपडेट भी दिया जाएगा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया यूज करते हैं और आप कॉस्मोस बैंक आप यूज करते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम पे भी बता सकते हैं। दो ही बैंकों के साथ ये अपडेट दिया गया है तो मैं आपको बता चुका हूँ। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा सकते हैं। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।